अगर 2024 में जीती बीजेपी तो देश में नहीं होगा चुनाव, नरेंद्र मोदी बन जाएंगे नरेंद्र पुतिन। रामलीला मैदान से भगवंत मान का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मेगा रैली की, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर, मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मान ने पीएम मोदी पर तंज कसा, उन्होंने ये कहा कि अगर साल 2024 में बीजेपी चुनाव जीत गई तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा, चुनाव नहीं होंगे और नरेंद्र मोदी नरेंद्र पुतिन बन जाएंगे। मान ने ये भी कहा कि अब आदमी भी कहता है कि भाजपा मतलब भारतीय जुगाड़ू पार्टी। भगवंत मान ने कहा कि आज ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, जनता तक ये बात पहुंचाना है कैसे आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। आप लाइन में लगकर वोट देते हैं और नेता चुनते हैं, लेकिन मोदी साहब और बीजेपी वाले चाहते ही नहीं कि इनके अलावा किसी दूसरे की सरकार बने। अगर चुनाव से बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो ये लोग पीछे के दरवाजे बना लेते हैं, उसके विधायक खरीद लेते हैं, फिर चुनाव करवा लेते हैं, राज्यपाल को सुबह 4 बजे जगवा लेते हैं। एक बार सीएम को शपथ दिलवा दो, बाकी बाद में देख लेंगे, ये फिलहाल चल रहा है। भगवंत मान ने पीएम मोदी पर, भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है।